देहरादून से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां झाझरा में क्लोरीन गैस रिसाव हो चुका है और सिलेंडरों से क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। सिलेंडरों को गड्ढे में दबाने का काम किया जा रहा है फिलहाल, और खाली प्लांट से हुआ है क्लोरीन गैस का रिसाव। पुलिस दमकल एसडीआरएफ की टीम मौके पर ही मौजूद है और झाझरा में पुलिस ने इलाके को खाली भी करा दिया है। आसपास के लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से तमाम इलाकों को, तमाम क्षेत्रों को खाली कराया गया है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सिलेंडरों से क्लोरीन गैस का अचानक से रिसाव हो रहा है और सिलेंडरों को गड्ढे में दबाने का काम भी जारी है। खाली प्लांट से क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है और पुलिस दमकल एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। तो तस्वीरें भी आपके सामने हैं, तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि खाली प्लांट में किस तरह से ये क्लोरीन का रिसाव हुआ है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सांस लेने में। तो सिलेंडरों को गड्ढे में दबाने का काम भी जारी है और खाली प्लांट से क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। पुलिस दमकल एसडीआरएफ टीम मौके पर मौजूद है। झाझरा में पुलिस ने इलाके को खाली भी करा दिया है। आसपास के तमाम लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं और देहरादून के झाझरा में ये क्लोरीन गैस रिसाव की खबर सामने आई है, जहां पर सिलेंडरों से हुआ है क्लोरीन गैस का रिसाव। सिलेंडरों को गड्ढे में दबाने का काम भी किया जा रहा है इस वक्त और खाली प्लांट से क्लोरीन गैस का रिसाव होने की सूचना मिल रही है। पुलिस दमकल एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है ताकि स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखा जा सके और आसपास के लोगों को क्लोरीन गैस रिसाव होने के बाद से ही सांस लेने में दिक्कत होने लगी, परेशानी होने लगी, जिसके चलते अब इस पूरे इलाके को सील करते हुए खाली कराया जा रहा है। सिलेंडरों को गड्ढे में दबाने का काम भी जारी है। पुलिस दमकल और एसडीआरएफ की तमाम टीम वहां पर मौजूद और इसी बड़ी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, क्लोरीन गैस के रिसाव होने की सूचना मिल रही है देहरादून के झाझरा से, क्या कुछ मामला और क्या कुछ इस पर अपडेट? देखिए, ये प्रेमनगर क्षेत्र है, पर जो क्लोरीन गैस है रिसाव जो है वो हुआ था। इसके बाद मौके पर जो है फायर सर्विस की जो टीम मौके पर पहुंची थी और ऑपरेशन क्लोरीन गैस रिसाव के जो सिलेंडरों को जो है बंद करने का जो है वो प्रयास जो है वो किया और काफी मशक्कत के बाद जो है उस पर जो है वो काबू पाया गया। खुद देहरादून के जो एसएसपी थे अजय सिंह, वो देर रात मौके पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने जो स्थिति देखी उसके बाद जो है पूरे इलाके को जो है जिस प्रकार से वहां पर जो है इलाके को नाकेबंदी पूरी कर दी थी और सभी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए थे और सभी को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए थे। और जिस प्रकार से जो ऑपरेशन जो रिसाव हो रहा था क्लोरीन गैस का, उसके सिलेंडरों को जो है वो अब बंद कर दिया गया है। हाँ, ये बताया जा रहा है कि लगभग सभी लोग जो है वो सुरक्षित है और किसी भी प्रकार की जनहानि की जो है वो घटना नहीं है। बिल्कुल उपेंद्र, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये भी जानना चाहेंगे कि ये लगभग कितने बजे की घटना है और आखिर ये क्लोरीन गैस का रिसाव क्यों हुआ, इसके कारण कुछ स्पष्ट हो पाए हैं अभी? देखिए, अभी जो है पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है कि क्या कारण जो है उसके रहे हैं और जिस प्रकार से जो ये पौच इलाका है प्रेमनगर का, वहां पर एक जो है बिल्डिंग पर जो है ये रिसाव जो है ये हुआ है और जिस प्रकार से ये देर रात करीब 12 बजे की ये घटना बताई जा रही है कि 12 बजे से 1 बजे के बीच की ये घटना है और उसके बाद पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस जो है तुरंत मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ जो टीमें हैं वो वहां पर पहुंची और बिल्डिंग ऑपरेशन सेट पहनकर जो है ठीक है। उपेंद्र, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जानकारी के साथ ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रात 12 बजे से 1 बजे की ये घटना है जब क्लोरीन गैस रिसाव होने की सूचना मिली और तब से अभी तक सिलेंडरों को दबाने का काम किया जा रहा है बुलडोजर द्वारा और तस्वीरें भी आपके सामने, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झाझरा में पुलिस ने इलाके को खाली भी करवा दिया है। आसपास के लोगों को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते इलाके को खाली कराया गया है और क्लोरीन गैस रिसाव होने की ये सूचना मिली देहरादून के झाझरा से, जहां सिलेंडरों को गड्ढे में दबाने का काम फिलहाल के लिए जारी है। अभी खाली प्लांट से क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है ये,
और इसके क्या कुछ कारण रहे ये फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, पर ये रात 12 बजे से 1 बजे तक की मिली जानकारी के अनुसार यही अपडेट है कि इतने ही बजे यहां पर क्लोरीन गैस रिसाव होने की सूचना मिली थी, तभी से सिलेंडरों को गड्ढे में दबाने का काम किया जा रहा है और सिलेंडरों से क्लोरीन गैस रिसाव होने की सूचना मिल रही है देहरादून के झांझरा से, जहां मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल, एसडीआरएफ की टीम और दमकल विभाग की टीम मौजूद है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है।